हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको नैनीताल के 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगा, जो कि अगर आप नैनीताल जाते हैं तो इन इन सारे जगहों पर घूमना ना भूल सकें, क्योंकि नैनीताल उत्तराखंड का एक ऐसा शहर है जहां पे आपको काफ़ी पर्यटन स्थल देखने मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं नैनीताल के शहर के टॉप 8 पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 ईस्वी में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए किया गया था। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। इसके बाद 1952 ईस्वी में राम गंगा और सन 1957 ईस्वी में जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर के साथ साथ चीता, तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली सुअर, हिरन, सांभर, नीलगाय आदि बहुत सारे जानवर देखे जा सकते हैं। दूसरा, टिफिन टॉप। नैनीताल से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टिफिन टॉप समुद्र तल से करीब 2,292 मीटर यानी 7,520 फीट ऊंचा है, जिसे डोडोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। टिफिन टॉप के शिखर पर पहुंचने के लिए नैनीताल शहर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो नैनीताल से टिफिन टॉप जाने के लिए ट्रैक की जगह घोड़े या खच्चर की सुविधा ले सकते हैं, जिनका किराया लगभग 800 के आसपास रहता है। टिफिन टॉप से नैनीताल में स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज भी दिखाई देता है, जहां पर कोई मिल गया और मासूम फिल्म की शूटिंग की गई थी। तीसरा, नैनी झील। नैनीताल के 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित यह झील नैनीताल शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जिसके चारों ओर के लुहावने दृश्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखने लायक होते हैं। इस झील की आकृति आँख यानी नैन के जैसी दिखाई पड़ती है, जिसका वजह से इस झील का नाम नैनी झील पड़ गया है। नैनी झील जाने पर आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। नैनी झील पूरी तरह से एक पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह। चौथा, हनुमान गढ़ी। नैनीताल शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर की स्थापना सन 1950 ईस्वी में बाबा नीम कोरोली ने करवाया था, जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 1951 मीटर यानी 6,400 फुट है। हनुमान गढ़ी मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ और भी कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। पांचवा, जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू। जीबी पंत चिड़ियाघर का नाम पंडित वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। 11 एकड़ यानी 4.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ इस चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी मौजूद हैं, जिनके मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। नैनीताल जिले में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर मुक्तेश्वर शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर कुमाऊं पहाड़ियों में बसा हुआ है, जो समुद्र तल से करीब 7,595 फीट यानी 2,315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास करीब 350 साल पुराना है, जब इस मंदिर को भगवान शिव के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में इसे मुक्तेश्वर महादेव या मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित भगवान शिव के दर्शन के लिए आपको करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। केव गार्डन नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित केव गार्डन नैनीताल शहर के मॉल रोड के पास स्थित है, जो नैनीताल शहर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। केव गार्डन में 6 अलग अलग गुफाएं हैं, जिनका नाम अलग अलग जानवरों के नाम पर दर्ज। केव गार्डन जाते समय आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए। गुफा के अंदर जाने पर थोड़ी बहुत दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है। भीमेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर है, जो भीमताल झील के तट पर स्थित है। इतिहासकारों का कहना है कि भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण पांडवों में सबसे अधिक बलवान भीम ने भगवान शिव की तपस्या करने के बाद करवाया था, ताकि उसके कुल का नाम सदियों तक याद किया जा सके।